प्रिय आत्मन, सभी शिव भक्तों के परम कल्याण की आशा करता हुआ मैं शिव सूत्र का शुरुआत करता हूँ, जो कि पूरी सीरीज होगी, जिसमें संपूर्ण शिव शास्त्र का व्याख्यान और अनुवाद किया जाएगा। दोस्तों, शिव सूत्र भगवान भोलेनाथ ने अपने मुख वृंद से कहे थे, जिनको समझ लेना बहुत ही जरूरी है। जो भी शिव भगत है उसके लिए शिव सूत्र एक परम प्रकाश, परम ज्योति की भांति है। बाबा भोलेनाथ के वचन, महाकाल के वचन, केदारनाथ के वचन, जितने भी शिव भगत हैं उनको जीवन के सत्य, आत्मा की खोज, कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करता है। तो शिव सूत्र की शुरुआत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं आप सभी भक्तजनों से उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि भगवान भोलेनाथ से करता हूँ। ठीक वैसे जैसे भोलेनाथ अपने भक्तों से प्यार करते हैं, उसी तरह हमें भी प्रत्येक जीव से करुणा से व्यवहार करना चाहिए। शिव सूत्र में भगवान भोलेनाथ ने इतने सुंदर ढंग से इसको कहा है, जिसको हम एक अच्छी भाषा में आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। सभी भक्तों से एक महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूँ कि यदि सूत्र के बीच में आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं। समय मिलते ही मैं आपको उत्तर देने की कोशिश करूँगा कि आपकी मन में जो आशंका है, जो शंका है, जो भ्रम जाल है, उसको काटने में यदि मैं एक निमित्त मात्र बन सकूं, तो बाबा भोलेनाथ की कृपा से यह कार्य परम उत्तम, परम प्रकाश में और मेरे लिए परम धर्म की तरह होगा। चलिए अब शिव सूत्र की शुरुआत करते हैं। हम आपको वीडियो दर वीडियो एक एक सूत्र का जो निचोड़ है वो बताएंगे। जय बाबा भोलेनाथ।